self-belief and hard work will always earn you success, because success is not given, it is earned. Hi friends, welcome to Vidya.in. अगर आप दिल्ली के टॉप कॉलेजेस से एमबीए करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए दिल्ली के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। सभी कॉलेजेस के बारे में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे, उसके साथ साथ कॉलेजेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके इन सभी कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एमबीए कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। टॉप 10 एमबीए कॉलेज इन दिल्ली में सबसे पहले नंबर 1 पर वन ऑफ द मोस्ट पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट इज एफएमएस दिल्ली को चेक कर सकते हैं। 1954 का एस्टैब्लिशमेंट है, अप्रॉक्स 300 सीट्स हैं और इन 300 सीट्स के लिए अप्रॉक्स 25,000 स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई करते हैं। तो यहां के लिए कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है और उसका रीजन है यहां की फीस और यहां का प्लेसमेंट। यहां पर एडमिशन के लिए आपका कैट स्कोर 98% तक होना चाहिए तभी आपको यहां एडमिशन मिल सकता है। यहां की फीस अप्रॉक्स 96,000 और यहां का एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 30-30 लाख का और हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्स 50-52 लाख का है। तो यहां का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, आरओआई इस पर्टिकुलर कॉलेज की बहुत ही अच्छी है, इसीलिए नंबर 1 कॉलेज है। तो अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो खूब मेहनत करें जिससे कि आपका कैट स्कोर अगर 98% हो जाता है तो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में और डिटेल में चेक कर सकते हैं। टॉप 10 एमबीए कॉलेज इन दिल्ली में आप नंबर 2 पर एमडीआई गुड़गांव को चेक कर सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट बी स्कूल इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, एनबीए अप्रूव्ड है। एनआईएफ 2021 में इसको 11th रैंक दी गई है। यहां की फीस अप्रॉक्स 9.5 लाख की है और यहां का एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 25 लाख का है। यहां पर भी एडमिशन आपको कैट और जीमैट के स्कोर पे मिलता है। अगर आपका कैट स्कोर 93-95% के बीच में है तो आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जीमेट एग्जाम दिया है तो जीमेट में स्कोर आपका अगर 700 के आसपास है तो भी आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप आईएफटी दिल्ली को चेक कर सकते हैं। 1967 का एस्टैब्लिशमेंट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस या फिर फॉरेन ट्रेड से एमबीए करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दैट। एनआईएफ रैंकिंग 25th है, नैक ए ग्रेड कॉलेज है और यहां की फीस अप्रॉक्स 9 लाख की है। अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईएफटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसमें आई हुई रैंक के बेसिस पे ही आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से एमबीए कर लेते हैं तो आपको एवरेज 25-30 लाख का प्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आप आईआईटी दिल्ली को चेक कर सकते हैं। यहां की एनआईआरएफ रैंकिंग 9th है एमबीए कोर्स के लिए और यहां की कंप्लीट कोर्स की फीस अप्रॉक्स 9.5 लाख की है। अगर आपका कैट स्कोर 96-98% के बीच में है तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आपको एवरेज 15-18 लाख और हाईएस्ट अप्रॉक्सिमेटली 33-35 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। नेक्स्ट आप आईएमआई दिल्ली को चेक कर सकते हैं। अगेन एनबीए अप्रूव्ड है, 1981 का एस्टैब्लिशमेंट है और एनआईआरएफ ने इसको 26 रैंक दी है। यहां पर भी आपको एडमिशन कैट, जीमैट, जैट के स्कोर पे मिल जाता है। अगर आपका कैट स्कोर अप्रॉक्सिमेटली 88% का है तो यहां पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका जीमैट स्कोर 650-700 के बीच में है तो भी आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां से भी एमबीए करने के बाद आपको एवरेज 15 लाख का और हाईएस्ट अप्रॉक्सिमेटली 32 लाख का पैकेज मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज को डिटेल में चेक कर सकते हैं। टॉप 10 एमबीए कॉलेज इन दिल्ली में आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को भी चेक कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम कोर्सेज, 1926 का एस्टैब्लिशमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, नैक ए ग्रेड कॉलेज है। यहां से आप फॉरेन ट्रेड में या फिर ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में एमबीए कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,60,000 पर एनम की है। यहां से अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 8-9 लाख पर एनम का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज
फॉर आरओआई, इसका आरओआई बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉलेज को भी आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1981 का एस्टैब्लिशमेंट है, एनबीए अप्रूव्ड, यहां की एनआईआरएफ रैंकिंग 43 है और यहां की फीस अप्रॉक्स 17 लाख की है। यहां का एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 14 लाख का रहता है। यहां पर भी एडमिशन आपको कैट, जैट, जीमेट के स्कोर पे मिल सकता है। अगर आपका कैट स्कोर अप्रॉक्सिमेटली 85% के आसपास है तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका जीमेट स्कोर 650 के आसपास है तो भी आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। टॉप 10 एमबीए कॉलेज ने दिल्ली में आप लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारका को भी चेक कर सकते हैं। 1975 का एस्टैब्लिशमेंट है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 76 है। यहां पर भी आपको एडमिशन कैट या जीमेट के स्कोर पे मिल सकता है। अगर आपका कैट स्कोर 80% और आपका जीमेट एग्जाम में 600 के आसपास मार्क्स है तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां की फीस अप्रॉक्स 7 लाख पर एनएम की है और यहां से भी आपको एवरेज 11 लाख और हाईएस्ट अप्रोक्सीमेटली 25 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां के कंप्लीट कोर्स की फीस 4,75,000 की है। सीमेट, मैट, जैट या फिर जीमेट के स्कोर पे यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, नैक एग्रेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है और यहां का एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 3.5 लाख और यहां का हाइएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास रहता है। आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दैट इज आईपी यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एमबीए कोर्स के लिए। 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, नैक एग्रेड यूनिवर्सिटी है और यहां की फीस अप्रॉक्स 70,000 पर एनएम की है। आपको एडमिशन सीमेट, मैट, कैट के स्कोर के बेसिस पे मिल सकता है और अगर आप यहां से एमबीए कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 4-5 लाख पर एनएम का एवरेज प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको दिल्ली के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज जरूर सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।